हेलो 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 गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज का वीडियो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल दोनों ही देख ही लिया होगा। बट उससे पहले मुझे ये बताइए कि मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है जो मैंने क्रिएट किया है उन्हीं प्रोडक्ट से जो मैंने नायका से मंगाए हैं अंडे ₹100। तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। और सारे ही जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं ₹100 हैं और ये वाले प्रोडक्ट्स नायका से ऑर्डर किए हुए हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है कि आपकी स्किन पे ये रिएक्शन देगा, क्योंकि नायका पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स होते हैं और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर आप पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं और बिगिनर है और अगर आप एक मेकअप किट बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो ये वीडियो आप डेफिनेटली देखना विदाउट स्किप किए। सो ये है मेरा पिटारा जिसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैंने ये नीविया का मॉइस्चराइजर मंगाया है और विंटर्स में स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने मॉइस्चराइजर भी मंगवाया है। और मुझे ना प्राइसेस बिल्कुल भी याद नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे देख लेना प्राइस। और मैंने नीविया का वाइट वाला जो प्रोडक्ट है वो वाला यूज़ किया हुआ है, ये वाला मैंने नहीं यूज़ किया हुआ है। बट जब मैं प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रही थी तो वाइट वाला अवेलेबल नहीं था, ये वाला ₹100 में अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया है। तो आज मैं इसको यूज़ करके देख रही हूँ कि ये मेरे स्किन को कितने अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। सो मॉइस्चराइज तो इसने मेरे फेस को बहुत अच्छे से कर दिया है, बट जो वाइट वाला नीविया का क्रीम होता है ना वो बहुत लाइट वेट होता है और बहुत इजीली स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये वाला थोड़ा थिक लगा मुझे, इसको ना मुझे बहुत ऐसे रगड़ के फेस को एब्जॉर्ब करना पड़ा है फेस पर। बट यार ये बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर रहा है और ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ये नॉन ग्रीसी आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से ग्लॉसी नहीं लग रहा होगा आपको फेस, क्योंकि जो कुछ मॉइस्चराइज होते हैं ना वो इतने ग्रीसी होते हैं कि स्किन को थोड़ा सा ना ग्लॉसी लुक दे देते हैं, बट ये मेरे फेस को ग्लॉसी बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, ये मॉइस्चराइजर विंटर्स के लिए काफी अच्छा है, समर्स के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। मंगाया है ये इनसाइड का पोर मिनिमाइज प्राइमर और ये पैकेजिंग इतनी क्यूट, इतनी छोटी सी पैकेजिंग है ना इसकी, जैसे मिनिएचर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो हम इस तरीके से मिनिएचर मेकअप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। और ये वाला मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, तो मैं अभी बिना ट्राई किए भी आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पोर्स को फिल करता है और ये सिलिकॉन और ये ऐसे क्रीम बेस्ड होता है, तो मैं भी इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ और कितने अच्छे से ये मेरे पोर्स को ना फिल कर देगा और मेरा फेस जो है वो बहुत मैट दिखेगा आपको। तो इसने बहुत अच्छे से मेरे पोर्स को फिल कर दिया और हाथ लगाने से ना बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है और मेरे फेस पे भी आप देख सकते हो कितना मैट लुक हो गया है। ग्रीजी लुक तो पहले भी नहीं था, बट जो मॉइस्चराइज लगाने के बाद हल्का हल्का ग्रीजीनेस आया था उसको भी इसने मैट कर दिया है। तो इसको तो मैं नो डाउट डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, आप इसको डेफिनेटली बाय करें। अगर आप एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइमर ढूंढ रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया है लैक्मे का 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन और इसमें शेड जो मैंने मंगाया है 01 रोज आइवरी। तो मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, मुझे इसके शेड का भी कोई आइडिया नहीं था और ये भी आप इसकी बॉटल भी, इसकी मतलब ट्यूब भी देख सकते हो कितनी मिनिएचर सी ट्यूब है, बहुत छोटी सी ट्यूब है ये। और शेड जरा मैं इसका देख लेती हूँ, शेड आई थिंक मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा ये फेयर शेड है जो मैंने मंगा लिया है ऑनलाइन। एक्चुअली शेड का एक तो पता नहीं चलता है और सेकंड मैंने कभी लैक्मे के फाउंडेशन यूज नहीं किया, तो इसलिए मुझे शेड्स का पता भी नहीं था। ये तो हाथ से ही ब्लेंड हो रहा है और इसमें से ना फ्रेग्रेंस ऐसी आ रही है जैसे फेयर एंड लवली की क्रीम होती है ना, वैसी फ्रेग्रेंस इसमें से आ रही है।
बहुत अच्छे से ये फेस पे हैंड से ही ब्लेंड हो गया है, बट इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी वाली नहीं है, बहुत शेयर कवरेज ये दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स सब विजिबल है। और अगर आपको शेयर कवरेज वाला फाउंडेशन चाहिए तो आप ये ज़रूर बाय कर सकते हैं, बट आपको एक अच्छी कवरेज का और कम बजट का फाउंडेशन चाहिए तो आप ये एलेटिन का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये इनसाइड का कंसीलर। और ये ना सारे ही प्रोडक्ट्स इतने छोटे छोटे से हैं कि मैं ना एक मिनिएचर मेकअप वीडियो भी बना सकती हूँ। और इसका शेड जो मैंने बाय किया है NC1 पोर्सेलेन, ये कुछ इस टाइप से है। और इसको यूज़ करने के बाद मैं देखती हूँ कि इसका जो इसकी कवरेज है कितनी है और ये मुझे कितनी कवरेज प्रोवाइड करता है। और ये ना जो इनसाइड के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैं पहले भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ और ये इतने अच्छे से ब्लेंड होते हैं ना, बिल्कुल अब देख रहे हो मेरे फिंगर पे कितने अच्छे से ये आ गया है। बहुत ही क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत ना बटर की तरह ब्लेंड होते हैं, बहुत सॉफ्ट। तो मुझे अभी जितनी भी कवरेज की नीड है ना वो मैं इस कंसीलर से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे डार्क स्पॉट्स वगैरह सब यूं के यूं दिख रहे हैं। तो यार बहुत ज्यादा नहीं, बट यार कवरेज प्रोवाइड की है और इतने से पैसे में आपको इतना कवरेज मिल रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स एक जैसा काम करेंगे। हर प्रोडक्ट की अपनी एक क्वालिटी होती है, कोई ज्यादा कवरेज देता है, कोई लाइट कवरेज देता है। तो यार मुझे अभी जितनी मुझे ओके मतलब एक नेचुरल मेकअप के लिए जितनी कवरेज मुझे चाहिए होती है उतनी कवरेज के लिए मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे इतनी अच्छी कवरेज मतलब मिल चुकी है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है ये बायोटिक का कॉम्पैक्ट। और फर्स्ट टाइम है जो मैं बायोटिक का कोई मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और इसमें कोई शेड नहीं है, एक ही शेड अवेलेबल था जो मैंने बाय किया है। तो खोल के मैं इसका शेड जरा देख लेती हूँ। वाओ, पैकिंग आप देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी है, कितनी क्यूट सी पिंक कलर, पिंक पीची टोन की इसकी पैकिंग है। और बायोटिक नेचुरल मेकअप मैजिक कॉम्पैक्ट स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग, शेड जरा मैं देख लेती हूँ। ओके, आई थिंक शेड मेरा ही है ये, इसमें इसी टाइप का शेड यूज करती हूँ और इसमें मिरर भी दिया हुआ है। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, मैं इसी पफ से अप्लाई कर रही हूँ। आई थिंक पफ काम नहीं कर रहा है, मैं ब्रश से अप्लाई करके देखती हूँ। कवरेज बहुत लाइट है इसकी, बट या इसने जो मेरा जो भी मैंने फाउंडेशन वगैरह लगाया है, कंसीलर लगाया है, उसको सेट ज़रूर कर दिया है, बट इसने जो इसका जो कवरेज है वो बहुत ही लाइट है, मतलब एक ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है ना उस टाइप का इसका कवरेज है। ओके, सो नायका से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया है ये मिस क्लेयर का चीकी ट्रायो ब्रॉन्जर ब्लशर और हाइलाइटर, इसमें तीनों चीज़ एक साथ है। तो ये मुझे 100 रुपीज़ से प्लस का पड़ा है, बट एक ही प्रोडक्ट में तीन चीज़ मिल रही है, तो आप अगर कैलकुलेट करें तो 100 से कम के ही प्रोडक्ट्स पड़ रहे हैं ये, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। और बहुत अच्छी सी एक पैलेट है ये, मेटल की ये जो है बॉक्स है इसका, प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं इस टाइप के। इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं बट मेरा पोपट हो गया है। ब्रॉन्जर ओके है, ब्लशर ओके है, बट हाइलाइटर इसका मैं पास से दिखाती हूँ, ये हाइलाइटर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉम्पैक्ट है, इसमें बिल्कुल भी शाइनी पार्टिकल्स नहीं है, तो हाइलाइटर की जगह मुझे कॉम्पैक्ट का शेड मिल गया। इन्होंने लिखा हाइलाइटर है बट ये हाइलाइटर नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, आपको फिंगर से पता चल रहा होगा, दूर से दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी शाइनी पार्टिकल नहीं है, ये बिल्कुल ना जैसा कॉम्पैक्ट होता है ना उस टाइप का है। तो मुझे जो कॉम्पैक्ट से कवरेज नहीं मिली इसको एक बार लगा के देख लेती हूँ, बहुत पाउडरी है। डिफरेंस देख सकते हो, कवरेज काफी अच्छी दे रहा है। काफी अच्छी कवरेज इसने प्रोवाइड कर दी है,
बट यार जिस चीज़ के लिए ये था वो इसमें मुझे नहीं मिला है. ओके नो प्रॉब्लम. अभी इसमें ब्रॉन्जर और ब्लशर है तो अभी वो यूज़ करके देखते हैं. तो पहले मैं इसका ब्रॉन्जर यूज़ करके देखती हूँ. बहुत पाउडरी प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ. देखो कितना पाउडर उड़ रहा है इससे, बहुत ज़्यादा है. और मैं जब ले रही हूँ ना तो पैलेट में भी इस टाइप से ये सारा पाउडर पाउडर इकट्ठा हो रहा है. ब्रॉन्ज तो इसने काफ़ी अच्छे से किया है. इन दो मुझे बहुत जो शेड है बहुत लाइट लग रहा था, बट या इसने मुझे मेरे फेस पे जो है वो एक शेडो क्रिएट कर दी है, मतलब एक कलर मुझे दिया है मेरे फेस पे. और अगर आपको फेस स्ट्रेट दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो ब्रॉन्जर लगाया है उससे मेरे फेस को एक शार्प लुक मिल रहा है. तो या ब्रॉन्जर ने काम अपना अच्छा किया है. तो मैं इसका ब्लशर ट्राई करती हूँ. बहुत ही नेचुरल सा टिंट इसने दिया है, क्योंकि शेड बहुत ज़्यादा लाइट है. आप देख सकते हो इसका जो शेड है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है. तो उसके अकॉर्डिंग इसने बहुत नेचुरल सा जो ब्लश है बहुत नेचुरल सा प्रोवाइड किया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है. तो नेचुरल से ब्रश के अकॉर्डिंग मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. काफ़ी मतलब अगर आप नेचुरल मेकअप या नो मेकअप मेकअप लुक करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. और यहाँ ये पैलेट में मुझे हाइलाइटर नहीं मिला है, बट पैलेट काफ़ी अच्छी है. मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी. आप हाइलाइटर की जगह जो प्रोडक्ट दिया उसको एज अ कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं. तो मैं इसको आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप इसको बाय कर सकते हैं. सो हाइलाइटर का तो मेरे साथ पोपट हो चुका है, क्योंकि जो मैंने हाइलाइटर के तौर पे प्रोडक्ट मंगाया था वो कॉम्पैक्ट निकला. तो अभी मेरे पास हाइलाइटर नहीं है. तो नेक्स्ट मैंने ये आई शेडो मंगाया है और ये भी 100 से ऊपर है, बट इसमें ये पूरा किट है. तो मैं देखती हूँ अगर इसमें कोई ऐसा कलर हुआ जिसको मैं एज अ हाइलाइटर अप्लाई कर सकती हूँ तो मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, अदरवाइज मैं हाइलाइटर नहीं अप्लाई करूँगी. पैकिंग काफ़ी अच्छे से की हुई है और आप ये भी देख सकते हो कितनी अच्छी सी ग्लॉसी सी पैकिंग है और बिल्कुल ब्लैक कलर. ओके, इसमें तो सारे ही शेड शिमर वाले हैं, तो इसमें तो हाइलाइटर मुझे डेफिनेटली मिल ही जाएगा. ये सारे जितने भी शेड्स हैं ये सारे शिमर है, अगर इसमें दिख रहा हो तो आई डोंट नो. मैं ये वाला शेड जो है इसको मैं एज अ हाइलाइटर अप्लाई करने का ट्राई करती हूँ, अगर ये हो जाता है तो. कलर पिगमेंटेशन मतलब कलर को मैंने हल्का सा लिया और ब्रश पे कितना अच्छा कलर आ गया है, उतना ही झड़ भी गया है. तो देख लेती हूँ. हाइलाइटर मतलब एज अ हाइलाइटर आई डोंट थिंक सो काम करेगा ये. मैंने इधर ये वाला शेड लगा के देखा है वाइट वाला, तो ये फिर भी थोड़ा सा हाइलाइट कर रहा है, इधर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. तो मैं इधर भी यही वाला लगा लेती हूँ. वाइट वाला शेड जो है वो हाइलाइट कर रहा है. मेरी नोज भी हाईलाइट हो गई. तो इसी को मैं एज क्या ये मैंने आई शेडो के लिए मंगाया है, तो इससे मैं आई शेडो भी लगाऊंगी. बट सारे शिमर शेड है तो मैंने एक आई लुक क्रिएट करने का सोचा था, वो तो नहीं हो पाएगा. तो मैं इसमें से कोई भी एक शेड जो है वो अपने आईज पे लगाऊंगी, जिससे आपको इसका पिगमेंटेशन पता चल जाएगा कि इसका कैसा पिगमेंटेशन है. और उसके बाद अगर पिगमेंटेशन अच्छा हुआ तो आप इसको डेफिनेटली आगे बाय कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो. तो मैं इसमें से ना अभी ये वाला ब्राउन शेड जो है ये वाला लगा रही हूँ, क्योंकि ये वाला शेड ना जो है हर एक ड्रेस के ऊपर मैच करता है. तो मैं इसका पिगमेंटेशन देखना चाह रही हूँ, मतलब ये आईज पे लगा हुआ कैसा लगेगा. तो कलर आप देख सकते हो बहुत अच्छा आया है आईज पे. तो या ये आप डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करूँगी, आप बाय कर सकते हैं. सारे ही शिमर शेड है और बहुत अच्छे शेड्स हैं इसमें, न्यूड भी हैं और डार्क शेड्स भी हैं, हर तरह के शेड्स हैं इसमें. तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं. तो
मुझे ना बाद में प्ले आउट करने का मन किया आई शेडो कलर से, तो मैंने ना ब्राउन के ऊपर थोड़ा सा पिंक शेड मर्ज कर दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाया ये आईब्रो पेंसिल, और ये है मार्स का वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल 102। और इस टाइप के आईब्रो पेंसिल्स ना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत ईजी होते हैं, मतलब यूज़ करने में मुझे काफ़ी ईजी लगते हैं। और इससे ना मेरी आईब्रोज बहुत अच्छी बनती है, कि अगर आपका ये ब्लंट हो जाए तो आप इसको शॉर्प करके ईजिली अपनी आईब्रोज बना सकते हैं। और मेरी आईब्रोज ना बिल्कुल ब्लैक है, तो मैं ये वाला शेड यूज करती हूँ डार्क 102। और फिल करने के बाद इसके कॉम्ब से मैं सारे स्ट्रोक्स को मर्ज कर लेती हूँ ऐसे। और आप मेरे इस आईब्रो में और इस आईब्रो में डिफरेंस देख सकते हो बहुत अच्छे से इन पेंसिल से। ये मतलब आजकल बहुत सारे आईब्रो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं मार्केट में, बट ये जो काम करती है ना, आई डोंट नो, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, मेरी चॉइस ये है, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी पसंद है मुझे इससे आईब्रोज बनाना। मतलब मेरे लिए तो ये अभी तक मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ, बट उसके बाद भी मुझे यही अच्छी लगती है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी को यूज़ करूँ आईब्रोज बनाने के लिए। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने नायका से ऑर्डर किया है वो है आईलाइनर, और मैंने इस बार ब्लैक लाइनर नहीं मंगाया है क्योंकि ब्लैक लाइनर वही ब्लू हेवन का मिल रहा था जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैंने इस बार ये पेंसिल लाइनर मंगाया है मिस क्लेयर का, और मैंने इसमें शेड मंगाया है ब्लू, और इसका शेड मैं आपको एक प्रॉपर शेड बता देती हूँ, स्टर्लिंग ब्लू E09 स्टर्लिंग ब्लू। और अगर पीछे से आपको डिस्टर्बेंस आ रही है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, घर के पास थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है, वहाँ से आ रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और ये जो सेलोफेन होती है ना, मुझसे कभी ओपन नहीं होती ऐसे, मैं ऐसे ही खोल लेती हूँ। तो ये इस टाइप का ब्लू शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये इस टाइप का शेड है और ये थोड़ा सा ना मेटालिक ब्लू है। तो मैं इसको अपने लोअर वाटर लैश लाइन पर अप्लाई करूंगी। और आप पिगमेंट देख सकते हो इसकी, एक ही स्ट्रोक में कितनी अच्छी पिगमेंट आई है। और मैं इसको अपर लैश लाइन पे भी यूज कर रही हूँ वाटर इनसाइड। और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इजीली अप्लाई हो गया है, बहुत इजीली ग्लाइड हो रहा है, मैं इसको आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। और इसमें और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आपको जो कलर चाहिए आप उसमें बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है ये ब्लू हेवन का मस्कारा, क्योंकि नायका पे ब्लू हेवन का प्रोडक्ट ही है, ब्लू हेवन हो गया, इनसाइट हो गया, मिस क्लियर हो गया, तो मुझे मस्कारा में सिर्फ ब्लू हेवन ही मिला जो 100 रुपीज़ से अंडर था, तो मैंने ये बाय किया है। और इसमें लिखा है ब्लू हेवन 10x वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा, तो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये 10x वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा है या नहीं। Can you see the difference in my lashes? इतने रुपए में अगर ये इतना भी काम कर रहा है ना, तो और क्या चाहिए। मतलब मेरी लैशेज यहाँ दिख नहीं रही है और यहाँ दिख रही है, और आपको वैसे भी डिफरेंस दिख रहा होगा मेरी दोनों आईज में। ये आईज मुझे काफी अच्छी घनी घनी सी लग रही है, और इसमें तो ऐसा लग रहा है ये गंजी है। तो गाइज, इतने रुपए में अगर आपको इतना अच्छा काम करने वाला मस्कारा मिल रहा है, तो बिना कुछ सोचे, बिना किसी डाउट के इसको जरूर जाके बाय कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है और ये बजट फ्रेंडली भी है। आपके बजट में अगर आपका कम बजट है, तो आपके बजट के लिए ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो लास्ट जो प्रोडक्ट्स रह गए हैं, दो या तीन प्रोडक्ट्स रह गए हैं, तो मैंने मंगाई थी ये इनसाइड की लिपस्टिक, और इसको मैं ओपन करके ऑलरेडी देख चुकी हूँ, क्योंकि ना शेड का मुझे डाउट लग रहा था मैंने जैसे ये पैकिंग देखी थी। मैंने मंगाई थी न्यूड कॉफी शेड, और इसमें मैं आपको साइड में इसका स्क्रीनशॉट वो पिक्चर लगाऊंगी कि मैंने क्या शेड मंगाया था और ये क्या शेड आया है। ये शेड आया है, ये कहाँ से न्यूड कॉफी शेड लग रहा है, कहीं से भी नहीं। और ये मेरे स्किन पे, आप देख रहे हो, ये मेरे फेस पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा ये वाला शेड,
बट आ गया है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बट यहाँ मैंने एक काम बहुत अच्छा किया कि जो मैंने लिप लाइनर मंगाया है वो थोड़ा डार्क टोन का मंगाया, मैंने ये वाला इसका इसका शेड मैंने जो मंगाया है L01 कॉफी ब्राउन, तो ये है जो मैंने मंगाया है और इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बहुत डार्क शेड वाला मंगाया है तो आई थिंक इसको लगाने के बाद इसको अप्लाई करूँगी आई थिंक थोड़ा चल जाएगा, तो मैं लगा के देखती हूँ। वैसे ये शेड ना बहुत ही ज़्यादा अजीब ही है, इसको न्यूड कॉफी तो कोई कह नहीं सकता, ये पीच सा शेड है। मैंने अपने आधे से ज़्यादा लिप्स इसी से फिल कर लिए हैं क्योंकि जो लिपस्टिक का शेड है वो बहुत लाइट है, तो मैं इसको बहुत हल्का हल्का लगाने वाली हूँ। ये नहीं जा रहा है। अब फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, बट बहुत ही आपने देखा कि ये शेड किस टाइप का है। तो लिपस्टिक आप अगर आप मंगाएं नाइका से तो प्लीज़ शेड देख के मंगाएं, और मैं रिकमेंड करूँगी न्यूड कॉफ़ी तो बिल्कुल भी ना मंगाएं, ये शेड बहुत ही गंदा है, ये फेयर टोन पे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। सो गाइज, अब रह गया है आज का लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है, ये पूरे मेकअप को सेट करने के लिए एक सेटिंग स्प्रे मैंने मंगाया है, ये इनसाइड का सेटिंग स्प्रे, और ये 100 रुपीज़ से अंडर बिल्कुल भी नहीं है, 100 रुपीज़ से अबव है। और बट आपके बजट में ये वाला जो मेकअप फिक्सर है वो काफ़ी अच्छा है और ये आपके मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना देगा, तो इसको ज़रा मैं पहले स्प्रे कर लूँ। इस स्प्रे की ना मुझे एक चीज़ जो है वो पसंद नहीं है, इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस ना बिल्कुल अल्कोहल जैसी आती है, तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत कम पसंद है। वैसे काम काफ़ी अच्छा करता है ये। सो गाइज, या ये थे प्रोडक्ट्स जो मैंने नाइका से मंगाए थे और इससे जो मैंने लुक क्रिएट किया है, आपको कैसा लगा मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो इतनी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए आप मुझे वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।